ओके, तो इस प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस थ्री क्यू बाई फोर प्लस वन, और क्यू के बारे में हमें ये दे रखा है, सबसे पहले तो लिखा है कि क्यू एक इंटीजर है और क्यू का रेंज है माइनस टेन से टेन। प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम पूछता है कि अगर हमने रेंडमली कोई भी क्यू निकाल के, जैसे इसमें से कोई भी इंटीजर निकाल के इसमें रखा, तो आपको बताना है कि क्या चांस है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। सबसे पहले हम अपना सिंपल स्पेस देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे कितने क्यू के ऑप्शंस हैं। तो क्यू इंटीजर है, माइनस टेन पर इक्वलिटी है, यानी माइनस टेन, माइनस नाइन, माइनस एट, माइनस सेवन, ऐसे करते करते दस तो नेगेटिव इंटीजर हैं, और वन टू थ्री फोर अप टू टेन, दस आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, बीच में ज़ीरो। यानी कि क्यू की जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं अगर हम उसको लिखेंगे तो वो 21 आ जाएंगे। 10 तो नेगेटिव इंटीजर है, 10 आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है और बीच में ज़ीरो, तो ऐसे 21 क्यू की वैल्यूज़ है जिसमें कोई भी रेंडमली उठा के यहाँ पर रखा जा सकता है, एंड वी हैव टू फाइंड द चांस कि इस इक्वेशन का रूट रियल होगा। तो रूट्स के रियल होने की कंडीशन है d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, रियल की बात हुई है, ऐसा तो कहा नहीं डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो रियल हो चाहे वो डिस्टिंक्ट हो चाहे वो रिपीट करे। हमने d पॉजिटिव लिखा तो यहाँ से आया b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर माइनस फोर क्यू, इनफैक्ट माइनस थ्री क्यू माइनस फोर इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से अगर हम वेवी कर्व ड्रॉ करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन एंड फोर। यानी कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल हमें चाहिए तो या तो माइनस वन से भी छोटा रखना पड़ेगा या फिर फोर से बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली वो सब इंटीजर होंगे, इसी रेंज में होंगे, हमें ये देखना है कि फेवरेबल हमारे पास कौन से हैं। तो या तो वो इंटीजर्स काउंट करें जो रेंज में, या उनको गिन लेते जो नहीं है। जैसे ज़ीरो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वन नहीं करेगा, टू नहीं करेगा, थ्री नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनफेवरेबल वैल्यूज चार। चार वैल्यूज ऐसी हैं क्योंकि ज़ीरो, वन, टू और थ्री, जिससे कि इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी नेगेटिव हो जाएगा। टोटल पता लग गया, फिर फेवरेबल भी निकाल लेंगे, वो कितने हो जाएंगी 17। तो कुल मिला के 21 वैल्यू थी, चार वैल्यूज़ के लिए डी नेगेटिव है, तो बाकी 17 वैल्यूज़ के लिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 17 अपॉन 21।